बहुत दिनों से आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर रामा यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर आ जाए, वो बीएमएस की बात हो या बीडीएस की बात हो या एमबीबीएस की बात हो। तो आज हम लोग हैं रामा यूनिवर्सिटी कैंपस में, इसमें एमबीबीएस का पूरा कैंपस टूर किया जाएगा और साथ ही साथ बीडीएस को भी कवर करेंगे। और बीएमएस अभी 2 साल हुए हैं यहाँ पर आए हुए, है ना, तो इस बार 3rd टाइम अपीयर करेगा, तो उस पर भी स्टूडेंट से बाइट ली जाएगी कि भाई सच्चाई क्या है, कैसा कैंपस है, सिक्योरिटी वगैरह भी सुना है लेते हैं, क्योंकि दो कैंपस है, इनका तीसरा कैंपस भी अपकमिंग है, कमिंग सून है, तो इस बार मेरे को लग रहा है वो कैंपस भी आ जाएगा। अभी जैसे कि रिसेंटली मैं बताऊं कि जो बीडीएस कैंपस हुआ करता था वो भी मेन कैंपस के अंदर स्विच कर चुका है और कुछ सच्चाई से रूबरू होंगे, जैसे कि जो बीएमएस है वो यूनिवर्सिटी के अंदर आता है एज एन ऑटोनोमस या गुरु गोरक्षनाथ से अफिलियेटेड है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो एडमिशन लिए थे, है ना, वो मुझे जानते भी हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। एनाटॉमी लैब है ये, है ना, रामा यूनिवर्सिटी में था, तो कैंपस ऑफिस से पास में है। बहुत दिनों से आप सभी के कमेंट आ रहे थे यार कि एक बार सर रामा वाला बीएमएस का टूर हो जाए, तो कुछ नॉन फेस हैं और बहुत सारे अननोन भी हैं, है ना, तो सच्चाई से थोड़ा रूबरू होंगे, देखते हैं बीएमएस में क्या पढ़ाते हैं यार। तो अभी माइक किसके पास में है, मुझे आप अपना नेम बताओ। मायसेल्फ अंजू वर्मा। रामा के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि 2 साल पहले ही यहाँ पर बीएमएस आया, इससे पहले बीएमएस नहीं था। सर काउंसलिंग के टाइम पे भर दिया था ऐसी। तो अभी मुझे थोड़ा सा इस लैब के बारे में बताओ कि एनाटॉमी क्या होता है, इसमें क्या पढ़ाते हैं और एक हफ्ते में कितनी क्लासेस रहती हैं। सर ये एनाटॉमी लैब में हम बोन्स वगैरह इन सब के बारे में पढ़ाते हैं और यहाँ एक हफ्ते में 3 क्लासेस होती हैं। 3 क्लासेस रहती हैं, आप भी हेल्प कर सकते हो इनकी, ऐसा कुछ नहीं है बताने में। नहीं, यहाँ एनाटॉमी में एक हफ्ते में 4 क्लासेस होती हैं। 4 क्लासेस होती है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं मऊ से बिलोंग करती हूँ। मऊ गाजीपुर के पास में, जो वहाँ से इतना दूर कैसे आना हुआ? ऐसे ही मैंने सुना था कि रामा मेडिकल, रामा बहुत बड़ा कैंपस है मेडिकल के नाम पे, एमबीबीएस की वजह से ऐसा, एमबीबीएस की वजह से। तो आयुर्वेदा से तो एमबीबीएस का कोई लेना देना नहीं, ये बात तो पता चल गई होगी। हाँ, लेकिन इंटर्नशिप का तो है लेना देना। हाँ, इंटर्नशिप का है कि एलोपैथ वाला जो मॉडर्न मेडिसिन है वो पढ़ सकते हो, उसके लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा, यही आसानी। फैकल्टी वगैरह कैसी यहाँ की? फैकल्टी हमारी काफी अच्छी है, बेस्ट। रेटिंग अगर देना चाहो 5 में रेटिंग दो आप। 5 to 5 रेटिंग आप रेटिंग कर दो मैम, कितना रेटिंग देना चाहोगे आप? सर 5। 5 रेटिंग देना चाहोगे? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, फिर तो पतंजलि से आगे निकल जाएगा। नहीं सर, फैकल्टी काफी अच्छी है हम लोगों की। अगर हम एक प्रोफेशन की बात करें जो कि 18 मंथ का होता है, तो मुझे ये बताओ जो 18 मंथ का जो प्रोफेशन है, तो अभी कितने दिन हो गए उसमें? 2-3 महीने? 4 मंथ हो गए। 4 मंथ में क्या क्या पढ़ा हुआ है? सर 4 मंथ में हमने फर्स्ट प्रोफेशन के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, एनाटॉमी, पदार्थ विज्ञान, फिजियोलॉजी, क्रिया जिसको हम आयुर्वेदा में क्रिया शरीर और एनाटॉमी को रचना शरीर बोलते हैं, पदार्थ विज्ञान। और ये होता है क्या क्रिया शरीर, क्या होता है? सर क्रिया शरीर हम फिजियोलॉजी, अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी, अंदर की रिएक्शन और मतलब पूरा संस्कृत वगैरह भी मैंने सुना है। यस सर, संस्कृत भी है। तो संस्कृत अभी सीबीएसई बोर्ड से आप? यस सर। तो संस्कृत तो समझ में आती नहीं होगी, आ जाता है? आ जाती है। क्रिया शरीर, क्रिया प्रतिपादकम शरीरम, क्रिया शरीरम। तो इसका क्या मीनिंग, क्या मीनिंग इसका बताओ? मतलब ये है कि जो हमारे शरीर के क्रिया को बताता, जो प्रोसेस, एक्टिविटी प्रोसेस, हाँ, एक्टिविटीज को बताता है, वो हमारा क्रिया शरीर कहलाता है। ओके, मुझे एक चीज और बताओ कि थोड़ा सा जैसे आयुर्वेदा में जब पढ़ाते हो तो डॉक्टर वाली फीलिंग आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है। बिल्कुल आ जाती है फीलिंग, वैद्य वाली फीलिंग आती है, तो थोड़ा सा एक डिफरेंस है मतलब, है ना। तो अभी इसमें एक चीज मुझे और जानना था, क्या कनेक्ट करके भी पढ़ाते हैं मॉडर्न मेडिसिन? बिल्कुल सर, पूरा सा कनेक्शन है, हिंदी प्लस इंग्लिश। अगर कनेक्ट नहीं करेंगे तो मुझे लग रहा समझ में नहीं आएगा उतना। सर फर्स्ट प्रोफेशन में तो काफी दिक्कत होती है, दूसरी पूरा कनेक्शन के साथ पढ़ाते हैं। आप कहाँ से हैं? सर मैं फिरोजाबाद। फिरोजाबाद से? बेंगलुरु सिटी? हाँ, ठीक है। और आगे मूव कर दो, इन लोगों से भी बात करते हैं थोड़ा। यस सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादमान शराफत है। कहाँ से आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। कितना नीट स्कोर आया था मेरा? 284। कभी ऐसा तो नहीं लगता कि रामा में आके गलत फंस गए? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगता। मतलब थैंकफुल वाली फीलिंग आती कि नहीं आती? हाँ, ठीक, सेटिस्फाई है। अच्छा, सेटिस्फाइड हो? सेटिस्फाइड है। हॉस्टल की फीस कितनी है? हॉस्टल की फीस यहाँ पे हॉस्टल 2 तरीके के हैं, 85,000
है एक, और दूसरा वाला 110 है, 1,10,000 1,10,000 है। तो उसमें क्या एसी है? नहीं एसी नहीं है वो, उसमें वन रूम में 2 पर्सन है 1,10,000 में। अच्छा टू सीटर वाला नॉन एसी है? एसी रूम है, थ्री सीटर एसी। अच्छा उसमें अटैच जो सारा वॉशरूम है। अच्छा उसमें बाकी में जो बालकनी दूसरा कितने में है? 85,000 उसमें बालकनी वगैरह नहीं है? नहीं वो ग्राउंड फ्लोर पे है तो बालकनी की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ग्राउंड फ्लोर पे है तो उसमें कॉमन वॉशरूम वगैरह है? हाँ तो कॉमन है वो। तो फीस सारी एक बार में जमा होती है? फीस का ये है अगर आप थोड़ा कहेंगे तो दो बार पार्ट में कर सकते हैं, बात हो जाती है। ट्यूशन फीस एक बार वन टाइम है। कितना फीस है यहाँ का? 2,36,500 और मुझे थोड़ा सा खाना वगैरह कैसा है? खाना का आप बताओ भैया, कुछ एकदम नींद में हो यार, खाना वगैरह कैसा है? खाना मैं कहूँगा ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक है। तो जो बच्चे मेरे पढ़ रहे थे जैसे आप हो, तो मैं हर कैंपस का ये है कि अगर मैंने किसी कैंपस को रिकमेंड किया हुआ है तो एक बार जाके जरूर बात कर दे कि आप कैसा चल रहे हैं। तो आप तो अभी फर्स्ट ईयर में हो, कुछ जगह जैसे गया हूँ तो कभी थर्ड ईयर वालों से बात हुई है तो वो टाइम टू टाइम पता चलता रहता है। अगर अच्छा नहीं होता तो डीब्रांडिंग भी कर देता हूँ, तो उससे क्या है ना कि चीज़ें सुधर जाती कैंपस की और आप लोगों के लिए हमेशा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो कभी भी कोई इन फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे ईमेल या मुझे कनेक्ट करके रिस्पॉन्स कर सकते हो कि ये वाली दिक्कत चल रही है ना, तो रिजॉल्व हो जाएगी इजिली वे पे। ऑर्गन्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज करा जाता है। अच्छा तो इससे क्या होता है, खराब नहीं होता? यस सर। नहीं तो खराब हो जाए कैसे रख दोगे? तो इसमें ऐसे कितने दिन तक रखा जा सकता है? एक्चुअली इसका आइडिया नहीं है ये, इसमें डेढ़ साल डेढ़ साल रहता, फॉर्मेलिन चेंज करना पड़ता है। अच्छा फॉर्मेलिन चेंज करना पड़ता है, लेकिन ये बॉडी पार्ट्स तो ये रख सकते हैं, कब तक रखा जा सकता है? सर वो डिपेंड करता है वो कब खराब है, उसमें वाटर का भी परसेंटेज है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल तक हम रख सकते। अच्छा 2 से 3 साल के बाद हमको रिप्लेस करना ही करना है, तो ये सारा सर डमी है या मतलब? डमी है, ओरिजिनल बोन आपके उसमें डाइसेक्शन हो रहा है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि रामा यूनिवर्सिटी की अगर फैकल्टी को अगर मैं रेटिंग दूं तो क्या देना चाहूंगा? 4.5 बोल रहा था, आप बताओ 4.5। तो ये रामा का भी पार्ट वन था, है ना। अभी बहुत ढेर सारा कंटेंट शूट किया गया है, बहुत बच्चों से बात की गई है, मुझे लग रहा है 2 बैच हैं तो लगभग सारे बच्चों से इंटरेक्ट किया हुआ है, तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको निकल के आएंगे। ओवरऑल अगर मैं रेट करूं रामा को 5 में से तो 4.5 रेटिंग दे सकते हैं, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ने यही रेट किया हुआ था। और कमेंट करो यार कि अगर आपको BDS के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए या MBBS के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए रामा की, तो कमेंट करके बताओ, तो उस पर भी एक डेडिकेटेड वाली वीडियो आएगी, बिकॉज MBBS और BDS की काउंसलिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी।